लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ और आप सभी जानते हैं कि इस समय रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। आज 9वां दिन है और भारत को इस पे एक खासी चिंता है, खासतौर पे उन लोगों की जो यूक्रेन के युद्ध में फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूक्रेन युद्ध के बीच एक हाई लेवल मीटिंग की। दिल्ली में ये मीटिंग की गई है और उन्होंने ऑपरेशन गंगा की जो प्रगति रिपोर्ट है उस पर उन्होंने समीक्षा की। इस दौरान यूक्रेन से भारतीयों को निकालने और वहां के हालात पर भी चर्चा की गई। मीटिंग में उनके साथ के मंत्री भी मौजूद रहे। भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने को लेकर के ये 8वीं मीटिंग है। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद लगातार प्रधानमंत्री इस तरीके की बैठकें कर रहे हैं। लगातार वो पूरे जो घटनाक्रम है उस पर नज़र रखे हुए हैं और ये 8वीं मीटिंग है। इसमें उन्होंने इस बात पे चर्चा की कि किस तरीके से भारतीयों को वहाँ से निकालना है। भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी बात की है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोदी के नेतृत्व में 4 केंद्रीय मंत्रियों का ऑपरेशन गंगा को शुरू किया गया है, उनको वहाँ भेजा गया है। इसके तहत फ्लाइट्स यूक्रेन के 4 पड़ोसी देशों में जा करके भारतीय लोगों को घर वापस ला रही है। भारतीय वायुसेना के 3 और C-17 विमान ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया और हंगरी से 630 भारतीयों को लेकर के देर रात, जो रात गई है, इंडियन एयरबेस पे पहुंचे। और विदेश मंत्रालय की बात को माने तो यूक्रेन से अब तक 9000 से ज़्यादा नागरिकों को भारत वापस लाया गया है। इनमें ज़्यादा संख्या स्टूडेंट्स की है और भारत वैश्विक मंच पर सतर्क रुख बनाए हुए रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों से परहेज कर रहा है। हालांकि भारत ने दोनों देशों से तत्काल युद्ध रोकने की अपील भी की है। उधर क्वाड नेताओं की वर्चुअल मीटिंग हुई, इसमें पीएम मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम फुमियो किशिदा भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने ये कहा कि क्वाड को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के अपने मूल उद्देश्य पे ही स्टैंड करना है, केंद्रित रहना है। तो दोस्तों, ये थी यूक्रेन से जुड़ी हुई खबर। मैं आपको सारी खबरों से रूबरू कराती रहूँगी। आप बने रहिए मेरे साथ और राय देते रहिए अपनी मेरे चैनल पे आकर के। फिर मिलती हूँ आपसे किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।